नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभिषेक क्लासेस एक सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जाना जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को धीरे धीरे इस पर भरोसा होता जा रहा है और काफ़ी स्टूडेंट भरोसा करते भी हैं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अफवाहें ज़्यादा ही फैलाई जाती है और सच्चाई से रूबरू बहुत कम कराया जाता है। आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सच्ची और ऑफिशियल जो जानकारी है वो जरूरी है। ठीक है, इतना टाइम नहीं है। देखिए, आरआरवी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। हमें 3 साल से इसका इंतज़ार था, आपकी वो इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। बहुत कम समय है आपके लिए पढ़ने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, 17 अगस्त से आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो है शुरू होने जा रही है। आपको अब 40 से 45 दिन का टाइम बचा है तैयारी के लिए। तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो ऐसा यहाँ पर प्लानिंग बताने वाला हूँ। आज से अगर आप 0 लेवल से भी स्टडी करना स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं आप रेलवे ग्रुप डी की जॉब को ले सकोगे। चलिए तो बोर्ड पर चलते हैं, रेलवे ग्रुप डी की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा प्रिय दोस्तों 2018 वर्सेस 2019 की, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। 2018 में जो टोटल पद थे वो थे 62,960। ठीक है, कुल फॉर्म कितने भरे गए थे, 1,90,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे 2018 में। नेक्स्ट 2019 की अगर बात करें प्रिय दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में कुल पद है 1,03,769 और फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 1,15,00,000। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, आप पढ़े लिखे भैया है कि 2018 के मुकाबले 2019 में कितना कम कंपटीशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, पद तो बहुत कम है 2019 के मुकाबले, कहाँ तो 1,00,000 से ऊपर पद है दोस्तों और कहाँ 62,000 के करीब पद है। कुल फॉर्म की अगर बात करें तो 2 करोड़ के लमसम फॉर्म अप्लाई हुए हैं 62,000 पदों के लिए। यहाँ पर तो मात्र 1,15,00,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, पद भी अधिक है। तो कहीं ना कहीं 2019 की रेलवे ग्रुप डी में कंपटीशन बहुत कम है प्रिय दोस्तों। 3 साल हो गए हैं, एग्जाम्स नहीं हुई है, अब जाकर इसकी एग्जाम जो है डेट घोषित हुई है। 3 साल से एक बेरोजगार तड़प रहा था इस रेलवे ग्रुप डी की जॉब को पाने के लिए, लेकिन एग्जाम्स नहीं होने के कारण 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं भैया जी जो इस रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना छोड़ दिया है। उन्होंने वो अब रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में नहीं लगे हुए थे, कोई दूसरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लग गए थे। कहने का मतलब साफ साफ यही है कि रेलवे ग्रुप डी की उन्होंने किताब को ही पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि 3 साल एक बेरोजगार नहीं रह सकता, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ध्यान दीजिए, थोड़ी सी हम एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी में कितने पद है प्रिय दोस्तों, 35,000 पद हैं। ठीक है, एग्जाम्स हो चुकी है, सभी के रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुके हैं, कुछ लेवल के हो चुके हैं, कुछ लेवल के जारी हो जाएंगे। एनटीपीसी की अगर बात करें तो जो एनटीपीसी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था, तो 35,000 के लमसम स्टूडेंट्स तो बाहर चले गए हैं, क्योंकि वो तो जो है जॉब ले लेंगे एनटीपीसी की। ठीक है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा एनटीपीसी में कितने पदों पर, 35,000 तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये क्रीम क्रीम लड़के हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था। ये अगर एग्जाम में बैठ जाते तो आपकी मेरिट ज़्यादा जाती, लेकिन अब ये एग्जाम्स में ग्रुप डी का क्या करेंगे जब इनको एनटीपीसी की जॉब मिल गई है। इसलिए
35,000 स्टूडेंट्स को आप इस इन फॉर्म में से जो है बाहर कर दीजिए। काफ़ी कंपटीशन बहुत कम देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इसमें अब तैयारी नहीं करेंगे, जो क्रीम लड़के हैं वो चले गए हैं एनटीपीसी में। ठीक है, बात करते हैं, 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, सर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हमारी मैथ कमज़ोर है, इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, कहाँ हमारा सिलेक्शन होगा, आपका ही सिलेक्शन होगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 1 करोड़ को देखकर घबराइएगा बिल्कुल भी मत, 1 करोड़ में से 40% स्टूडेंट तो अब रेलवे ग्रुप डी से ही उन्होंने मतलब ही नहीं रखा है, बाकी 5 से और 6 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं 1 करोड़ में से जो पढ़ाई कर रहे हैं वो रेलवे ग्रुप डी की जॉब को लेना चाहते हैं। ठीक है, 5 से और 6 लाख स्टूडेंट्स में से 2 से और 3 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खूब ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, लगन के साथ मेहनत के साथ वो स्टडी कर रहे हैं, 2 से 3 लाख स्टूडेंट 1 करोड़ में से। कंपटीशन कितने में है, मात्र 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें होने वाली है कांटे की टक्कर। 1 करोड़ को मत देखिए आप, देखिए मात्र 2 लाख स्टूडेंट्स को, 2 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होने वाली है, और इन्हीं 2 लाख स्टूडेंट्स में से 1 लाख पदों को भरा जाएगा। ये वही 2 लाख स्टूडेंट्स हैं जो इन पदों की भरपाई करेंगे। तो कहने का मतलब यही है प्रिय दोस्तों, साफ साफ आपको बता दूं, 1 करोड़ को देखकर बिल्कुल भी मत घबराइए, पुरानी कट ऑफ को देखकर बिल्कुल भी मत घबराइए, कट ऑफ का कोई कह नहीं सकता, किस प्रकार का पेपर आएगा, कैसा कुछ पैटर्न रहेगा, सब कुछ पेपर के बाद ही एनालिसिस किया जाता है। पहले जो कट ऑफ बताता है वो अनुमानित बताता है, कोई यहाँ पर फैक्ट नहीं बताता है, इसलिए आप जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर ध्यान मत दीजिए। प्रीवियस ईयर पर अगर आपको ध्यान देना है, 2018 ग्रुप डी पर अगर ध्यान देना है, तो 2018 के जितने भी पेपर हुए थे प्रिय दोस्तों ध्यान दे लीजिए, उन सब पेपर को पढ़ गालिए, कहने का मतलब मेरा साफ साफ यही है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। एग्जाम पैटर्न तो सभी बच्चों को मालूम है, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर सभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं टारगेट बता रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25, रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस के आएंगे 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के आएंगे 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान दीजिए। कहते हैं सर हमारी मैथ कमज़ोर है, हम ग्रुप डी की नौकरी को नहीं ले सकते, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा प्रिय दोस्तों, मैथ की अगर बात करता हूँ, आप तो मात्र जो है मैथ में 10 नंबर ले आना, 10 क्वेश्चन ठीक करके आ जाना, इतना भी नहीं कर सकते क्या, 25 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन तो कर भी देंगे प्रिय दोस्तों, क्योंकि 10वीं लेवल का ये मैटर रहेगा, इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, मैथ की यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको राइट करके आने हैं। रीजनिंग की अगर बात करें प्रिय दोस्तों, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से आपको जो है 25 जो है मार्क्स का यहाँ पर टारगेट रखना है, कम से कम 30 में से आप 25 तो आराम से ले आओगे, ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया जी। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में कम से कम 20 क्वेश्चन आप करके आ जाना, बहुत है आपके लिए, इतना घबराने की बात नहीं है। बात करते हैं करंट अफेयर्स और जो है जनरल अवेयरनेस की, तो 20 क्वेश्चन आएंगे, आप जो है 10 क्वेश्चन करके आ जाना, कहीं ना कहीं आपकी नैया पार लग जाएगी। इतना अगर टारगेट रख लिया तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी ग्रुप डी की जॉब को छीन सकती है। यहाँ पर एक बार जोड़ लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं, 5 दिया आप, 3, 4, 5, 6 कितने क्वेश्चन हो गए, 65 क्वेश्चन सही हो गए, 100 प्रश्न में से आपको
आपको इन पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये टारगेट बनाना है। इसी टारगेट को लेकर अगर आपने पढ़ाई पर फोकस रखा तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब पक्की है। आज से ही स्मार्ट पढ़ाई चालू कर दीजिए, हार्ड स्टडी आपको नहीं करनी है। यूट्यूब का सहारा बहुत कम लेना है, अगर यूट्यूब का इस टाइम आपने सहारा लिया तो कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा, इतना टाइम नहीं बचा है। सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक से पढ़िए जितना हो सके, जितना पुराने पेपर को अवश्य देखिए, ठीक है। रीजनिंग में पुराने कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। साइंस में पुराने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कौन कौन से आए हैं, सबको देखिए, ठीक है। तो पुराने पेपर को अवश्य देखना है, सभी प्रश्नों को, जितना भी पेपर हुआ है, जितनी भी शिफ्ट में 2018 में पेपर हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, सभी को देखना है। इतना टारगेट रख लीजिए, किसी के कहने पर टाइम टेबल मत बनाइए, जब आपको टाइम मिले तब ही पढ़िए, कोई फिक्स नहीं है। 24 घंटे होते हैं आपके लिए, 24 घंटे में आप मात्र इतना सा टारगेट रख लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आप टाइम मेंटेन कर लीजिए कि मैथ हमें 1 घंटे पढ़ने हैं, साइंस हमें 1.5 घंटे पढ़नी है। इस तरीके से आपको जब टाइम मिले तब ही आप स्टडी कीजिए, क्योंकि आप एक फैमिली में अगर रहते हैं तो फैमिली में वाकई भी काम रहता है, आपको पढ़ाई से अलावा और भी कुछ काम रहते हैं। इसलिए आप जो है ऐसी स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, 24 घंटे में कुछ समय ऐसा दे दीजिए जिसमें आपको थोड़ी सी फुर्सत मिल रही है। इस रेलवे ग्रुप डी की जॉब को कोई माइका लाल आपसे छीन नहीं सकता है। इस प्रकार का आपने टारगेट रखा तो कहीं ना कहीं आपको खुशखबरी मिलेगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना अभिषेक क्लासेस को, बेल आइकन प्रेस कर देना, अपने प्यारे मित्र को शेयर कर देना एंड अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक अवश्य कर देना मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। भैया जी अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, सच्चाई के साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ अभिषेक क्लासेस आपके लिए निर्भर है, 24 घंटे आपके लिए यहाँ पर खड़ा है। थैंक यू, धन्यवाद।